फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत नहीं है, पता नहीं कैसा क्या कर दे। आपने आगे वीडियो में देखा होगा पान तो जीजा जी और ये ना बुआ का नैंग होता है। अभिषेक जी ये हमारे हेलो फ्रेंड्स, सौ फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ पार्लर और लॉज में। अभी तिलक की रस्में हो रही थी तभी हम सभी पार्लर आ गए हैं। निशा दीदी, अंकित दीदी की हेयर स्टाइल हो गई है, मेरी हो रही है। तो मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है। जैसी मैंने हेयर स्टाइल उन्हें बताई है वैसी वो बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, पता नहीं कैसा क्या कर दें, ओवर ना कर दें मेकअप। बहुत ज़्यादा डर लगता है मैं जब पार्लर आती हूँ। तो मैंने आगे से कुछ इस तरह से बताया था, वो तो उन्होंने कर दिया है। क्योंकि मैं जूड़ा बनवाने वाली हूँ, मुझे चुन्नी रखनी है सिर पर, लहंगा मैं पहन रही हूँ। तो बाकी का आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा कि मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और आपको पूरा लुक मैं वहाँ जाकर बताऊँगी जहाँ पर शादी है। क्योंकि अभी कोई नहीं है कि मेरा मोबाइल पकड़ के मुझे पूरा कोई दिखाए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो बस पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर बहुत सारी ब्राइडल तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही हैं सब लोग। और मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था पिछली वाली शादी में कि दीदी आपने गोल्ड का पहना था, तो मेरा ये भी गोल्ड का है। जो आज मैं ज्वेलरी पहने हुई हूँ मेरा सारा गोल्ड का है। देखो आप, ये भी मेरा गोल्ड का है, ये भी मेरा गोल्ड का है। मैं सारी चीज़ें गोल्ड की ही पहने हूँ, देख सकते हैं आप। तो मुझसे सभी ने पूछा था, तो मैंने उस वाली शादी में भी गोल्ड का ही पहना था और इस वाली शादी में गोल्ड का ही पहना है। क्योंकि मेरे यहाँ आर्टिफिशियल नहीं चलता है, हम सभी जो बहुए हैं हम सभी को गोल्ड ही पहनना पड़ता है। और हम सभी ने ना एक थीम रखा हुआ है ड्रेस का, पिंक कलर। तो सभी ने पिंक कलर पहना हुआ है, मतलब किसी ना किसी चीज़ में आपको पिंक कलर देखने को मिलेगा। जैसे मेरी ये चुन्नी है पिंक कलर की, मेरी भाभी आई हैं तो भाभी ने भी पिंक कलर पहना हुआ है, उन्होंने भी, दीदी ने भी पिंक कलर पहना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो सभी आ गए हैं, मेरे मायके से भी सभी आ गए हैं। मैं चली गई थी पार्लर और ये लोग इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर। पता नहीं थोड़ी जल्दी से आ रही है वीडियो। बारात आ चुकी है जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा होगा। तो अब होगा बारात का स्वागत और जो रस्में होती ना बारात आने पर, तो वही होगी। तो पहले ना दूल्हे राजा को उतार लिया जाए, तो ये उतार रहे हैं। और अब खिलाया जाएगा पान, तो जीजा जी और साले दोनों एक दूसरे को पान खिलाते हैं। तो वही रस्म हो रही है। मेरे यहाँ ये नैंग नहीं दिया जाता है यहाँ पर, बट गंज वाशोदा में नैंग दे रहे हैं लोई और जो नारियल, मतलब जो उनके यहाँ दिया जाता है तो वो नैंग दिया है इन्होंने। और अब माला पहनाई जाएगी एक दूसरे को, तो जयमाला तो पहले ही हो गई है। तो ये तो थी बारात की रस्में जो कि हो गई हैं। और अब आगे देखते हैं और आगे क्या क्या हो रहा है। तो बस आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो जीजा साले दोनों साथ में जाते हैं अब आगे की रस्म के लिए। ये लड़की का भाई है, ये अभिषेक है, ये छोटा साला है, ये दोस्त है, ये भी साला है और ये भी साला है, एक ये छोटा साला है। बाकी यहाँ पर तैयारी होने लगी है कलश रखने की। तो पहले पूजा की जाती है, चौक वगैरह पूरा जाता है, तो वही छोटी मम्मी कर रही हैं। और ये ना बुआ का नैंग होता है और बुआ ही टंकी, जैसे जिसको जो लेना हो कलश लेते हैं। वैसे कलश होता है रसम में, कलश रखते हैं, लेकिन किसी को टंकी लेनी है, किसी को कुछ लेना है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो छोटी मम्मी ने चौक पूर दिया है, अब आगे देखना आगे क्या होता है।
तो जीजा जी और साले साहब आ गए हैं, मीन्स मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और आगे की रस्में आप ज़रूर देखना, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। लड़की को ले जा रहे हैं, बेटा आगे जाना है, रस्म वगैरह है, आगे जा, हॉल में, आगे जा, चलो आगे तुम फूल हो गेट। कहाँ मंडप? मंडप के लिए लड़की को लाया गया है ऊपर, सारे लोग घर के परिवार के जो मेन गार्जियन हैं वो लेकर आ रहे हैं, और धीरे धीरे अभिषेक जी मंडप की ओर प्रस्थान करते हुए, ये बड़ा खूबसूरत सा मंडप, बड़ा प्यारा सा मंडप बनाया गया है, ये है ना। और अब यहाँ पर कुछ रस्म वगैरह होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, पंखा वगैरह कुछ चावल वगैरह मारे जाते हैं दूल्हे को, जो सारी मान्यता हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो सारी पूरी करती हुई, और ये पंखा के लिए कुछ महिमा जी कुछ बुलाती हुई है ना, ये जिनका मेन चैनल है ये, वो कमेंट में बताना आप लोग कैसी लग रही हैं। ये हमारी सिस्टर तैयार होकर ऊपर आती हैं, है ना। ये कोई रस्म करती हुई चावल को लेके मिस महिमा पटेल, ये मुकेश भी कुछ चावल वगैरह देता होगा कोई हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, है ना। और चावल वगैरह हल्दी से वो किए जाते हैं कोई हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरा। ये हमारी
ये दीदी आप थोड़े साइड हो जाइए। और ये चावल वगैरह मारना है इसको कुछ, तो उसी में सब लोग लगे हुए हैं। और ये काउंट, और ये चावल से ये लोगों ने दूल्हा के जो फ्रेंड वगैरह हैं उन लोगों ने रोक लिया है। हाँ अभी ये अब फोटो शूट वगैरह होगा थोड़ा सा। अब हो रही है जयमाला की तैयारी और हम सभी जा रहे हैं नीचे जयमाला में। और आप मेरा पूरा लुक देख ही चुके हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, दीदी भी कैसी तैयार हुई हैं, तो आप ये सब देख ही चुके हो। जयमाला में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। बाय।